हेलो एवरीवन, देखो एवरेस्ट 50 से 60 मिलियन ईयर ओल्ड है और इसकी ऊंचाई घटने के बजाय बढ़ी रही है। यह बना है इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से। आखिरकार माउंट एवरेस्ट का न्यू हाइट आ ही गया। अब न्यू हाइट है 8848.86 मीटर, जो पहले के हाइट से 0.86 मीटर ज़्यादा है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे पहले के हाइट को लेके क्या कन्फ्यूज़न था, और उसके साथ यह भी जानेंगे कैसे हाइट मेजर किया गया। आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक देशों को इस बात पे मतभेद था कि एवरेस्ट के टॉप पे जो एक स्नो कैप जम गया है उसको काउंट करें या ना करें। अभी तक नेपाल 1954 में जो हाइट मेजर हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, वही यूज कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर चाइनीज प्रेसिडेंट के नेपाल विजिट पे यह एग्रीमेंट हुआ था कि नेपाल और चाइना दोनों मिलके हाइट मेजर करेंगे और एक साथ न्यू हाइट अनाउंस करेंगे। वहीं पहले चाइना का ऑफिशियल मेजरमेंट के हिसाब से एवरेस्ट का हाइट था 8844.43 मीटर, जो 4 मीटर से ज़्यादा कम है 1954 के इंडिया के हाइट से। बीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने 2012 में बीबीसी को कहा था कि चाइना हमें प्रेशराइज कर रहा है कि हम चाइना के हाइट को एक्सेप्ट करें, इसलिए हमने डिसाइड किया कि फिर से इसका मेजरमेंट हो। देखो एवरेस्ट के हाइट को लेके कंफ्यूजन पूरे दुनिया के साइंटिस्ट में तब से और ज्यादा बढ़ गया जब 2015 में नेपाल में भयानक भूकंप आया था। उस समय एवरेस्ट में भी एवलंच हुआ था जिसमें कई सारे बेस कैंप को दबा दिया और कम से कम 18 पर्वतारोही का जान गया था। उसके बाद कुछ जियोलॉजिस्ट का कहना था कि बर्फ का जो सिल्ली जमा हुआ था टॉप पे वो घट गया होगा। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के स्पोक्सपर्सन दामोदर धाकाल ने कहा कि 2015 का भूकंप मेन रीजन है फिर से हाइट मेजरमेंट का। अब जानते हैं आखिर मेजरमेंट कैसे किया गया। चार नेपाली सर्वेयर जिसे 2 ईयर का ट्रेनिंग दिया गया इसके लिए। मिस्टर धाकाल ने कहा कि अब हमारे पास यंग टेक्निकल टीम है और हम जब चाहे एवरेस्ट को माप सकते हैं बिना किसी हेल्प के। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार हमने सुबह के 3 बजे का टाइम चुना ताकि डे टाइम में सनलाइट के वजह से जो एरर हो सकता है वो ना हो। हाइट को मेजर किया गया मीन सी लेवल को बेस बना के। नेपाल ने बे ऑफ बंगाल को मीन सी लेवल माना, लेकिन भारत ने पहले ही एक पॉइंट को सर्वे किया था एवरेस्ट के पास, जहां से नेपाल हाइट मेजर कर सकता था आसानी से डायरेक्टली। चाइना डेली न्यूज के अनुसार चाइना ने येल्लो सी के सेंगडोंग एरिया को अपना बेस लेवल बनाया, जो कि चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में आता है। दोनों साइड के सर्वेयर्स ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज किया हाइट कैलकुलेशन के लिए। वहीं पॉइंट को फिक्स करने के लिए जीपीएस का सहारा लिया गया। नेपाल ने अमेरिकन मेड जीपीएस का यूज किया, वहीं चाइना ने अपना खुद का वीडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का यूज किया। उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया गया और हाइट कैलकुलेशन किया गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। देखो एवरेस्ट का हाइट कैलकुलेट करना कोई इश्यू नहीं है, यह तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। लेकिन चाइना इस मैटर को पूरे दुनिया में यह दिखा रहा है कि चाइना नेपाल ऑल वेदर फ्रेंड है और नेपाल का चाइना के प्रति ज्यादा झुकाव है। देखो चाइना, तुम जितने भी प्रोपोगंडा फैला लो इंडिया नेपाल रिलेशन कभी भी खराब नहीं कर पाओगे पूरे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।